वैज्ञानिक लगातार प्रयोग करते हैं। कुछ प्रयोग सुनने में बेहद अजीबोगरीब लगते हैं तो कुछ हैरान करने वाले होते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आखिर ऐसा कैसे। दरअसल जापान में एक वैज्ञानिक को एक ऐसे प्रयोग के लिए सरकारी मदद देने की बात की गई है जिसमें पशुओं के गर्भ में मानव कोशिकाओं का विकास हो सकेगा, यानी कि जानवर एक तरह से सिरोगेट माँ की तरह काम करेंगे, जिनकी कोख से वैसे कोई चीज जन्म लेगी जिसके शरीर में इंसानी अंग हो। अब ये बात सुनकर अजीबोगरीब लगती है, आखिर वैज्ञानिक ऐसा करना क्यों चाहते हैं, आखिर इस प्रयोग की जरूरत क्यों पड़ी है कि जानवरों की कोख में इंसानी भ्रूण से एक नए चीज को जन्म दिया जाए। जापान में हिरोमित्सु नकाची नाम के वैज्ञानिक जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में स्टेम सेल के प्रमुख हैं, उन्हें जापान सरकार ने जानवरों की कोख में इंसानी भ्रूण के विकास पर प्रयोग करने की इजाजत दे दी है। प्रयोग करने वाली टीम की योजना यह है कि पहले चूहों के एम्ब्रियो में मानव कोशिकाएं विकसित की जाएं और फिर उस एम्ब्रियो को सिरोगेट जानवरों के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रयोग का असल मकसद इंसानी शिशु बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे पशु तैयार करना है जिनके शरीर के अंग मानव कोशिकाओं से बने हों, ताकि जरूरतमंद इंसानों में ये प्रत्यारोपित किए जा सकें, मतलब जरूरतमंद इंसानों में ये कोशिकाएं लगाई जा सकें। अब इसमें एक परेशान करने वाली बात यह है कि कई देश इस प्रयोग पर रोक लगा चुके हैं, ये बताते हुए कि ये कुदरत से खिलवाड़ है। 2015 में इसी प्रयोग के प्रोजेक्ट पर अमेरिका ने रोक लगा दी थी। चिंता में डालने वाली बात यह है कि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो फिर संभव है कि आने वाले वक्त में एक ऐसा जीव अस्तित्व में आ जाए जो आधा इंसान हो और आधा जानवर, या फिर गर्भ में भ्रूण के पलने से इंसानी कोशिकाएं किसी तरह बढ़ते हुए पशु के दिमाग तक भी पहुंच जाएं तो जानवर का दिमाग प्रभावित हो सकता है। यही सब देखते हुए कई देशों ने इस तरह के प्रयोग पर रोक लगा दी थी, लेकिन जापान की एजुकेशन और साइंस मिनिस्ट्री ने साल भर पहले ही इसे अप्रूव कर दिया था और अब इस पर काम भी शुरू हो चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम बड़ी ही सावधानी से इस प्रयोग को कर रहे हैं और ये चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। हालांकि ये प्रयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि जानवरों की कोख से मानव कोशिकाएं तैयार की जाएं और जिन इंसानों को कोशिकाओं की जरूरत हो उन्हें दिया जा सके। आज के समय में ट्रांसप्लांट सफल होता दिखाई दे रहा है और यह संभव कार्य अब सफल तरीके से किया जा रहा है, तो अब जरूरत है तो कोशिकाओं की, मानव के शरीर के अंगों की। इसी की खोज ने वैज्ञानिकों को इस प्रयोग तक ले आई। सच तो ये भी है कि कई देशों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ मानकर इस पर रोक लगा दी थी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहें पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं विनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे हैं सुभाष खोकर। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।